हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने बनाए हैं समोसे। ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे मैंने बनाए हैं। ये देखें कितने क्रंची समोसे हैं ये। और ये यहाँ पर मैंने आपको चेक करवाने के लिए जो है मैंने रखा है एक समोसा। ये देखिए ये कितना जो है टेस्टी लग रहा है। ये आलू और चिकन के समोसे हैं, देखने में ही इतने लजीज लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना जो है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें समोसे बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है चिकन। ये बॉयल्ड चिकन है, इसको देखें मैंने इस तरह ना जो है रेशा रेशा कर लिया इसका। तो अब हम लेंगे ये तकरीबन जो है वो आधा पाव के बराबर है चिकन। तो इसके साथ ही मैंने जो है आलू बॉयल किए हैं। ये देखें ये दो बड़े साइज़ के आलू बॉयल करके इसको मैश कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ली है प्याज, प्याज को चॉप किया है। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है और साथ ही इसके पुदीना है, पुदीना चॉप किया है और हरी मिर्चें चॉप की हैं। तो दो हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, पुदीना है आधी गठी के बराबर। मसाले में है हमारे पास ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ज़ीरा लिया है। और रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। और 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और इसके साथ ही है हमारे पास कुटा हुआ साबुत धनिया, ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ले ली हैं समोसे की पट्टियाँ। तो ये देखें ये इस तरह की ये समोसे की पट्टियाँ हैं। ये इसके जो हैं वो मैं समोसे तैयार करूँगी। 5 हैं मेरे पास ये, तो ये 5 समोसे हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, जल्दी से अपने जो हैं समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन में 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ले लिया है। इसमें अब ज़ीरा डालेंगे। ये मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया है। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा। इसको हल्का सा जो है वो कड़कड़ाने देंगे, थोड़ा सा ये इसमें फ्राई होगा, हल्का सा गोल्डन होगा। तो फिर इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अभी हम इसके इसमें डाल देंगे ये चिकन जो हमारे पास है। हम सबसे पहले चिकन इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको जो है वो फ्राई करते हैं। चिकन का कलर भी देखें काफ़ी चेंज हो गया है। 2 मिनट तक इसको मैंने फ्राई किया है। बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनते हैं फ्रेंड्स। रमज़ान में आप ये बना के खा सकते हैं, बहुत इजी हैं। जिन्होंने कभी नहीं बनाए हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहेंगे तो ये रेसिपी उनके लिए है, जो फर्स्ट टाइम समोसे जो है वो बना रहे हैं। तो ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखें मैंने बनाई है। और बहुत मज़े की बनते हैं ये समोसे। अफ्तार में आप इसको बना कर खाएँ, बहुत मज़े की रेसिपी है। बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है कि आप घर पर बना कर खाएँ खुद अपने हाथों से। और सफाई का भी जो है वो घर पे तो सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये देखें अब इसमें हम डालेंगे नमक मिर्च अपनी, ये मसाले जो हमने ले लिए हैं, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। खाना बनाना कोई मुश्किल बात काम नहीं है, खाने को जो है वो बनाना जो है वो मुश्किल नहीं समझा करें, बोझ नहीं समझा करें। खाना बनाना जो है वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। मैं समझती हूँ कि जिन बेटियों को या बहनों को मुश्किल लगता है खाना बनाना, वो मुश्किल ना समझें बल्कि एंजॉय करें और अपने घर वालों को बना कर दें, खुद भी खाएं और सबकी दुआएं लें। ये देखें यहाँ पर ये कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें फ्रेंड्स डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्ची और पुदीना और प्याज। ये देखें अब इसमें और ज़्यादा जो है वो हरियाली नज़र आने लग गई है और ही ज़्यादा जो है वो कलर इसका खूबसूरत हो गया है। रमज़ान के लिए स्पेशल मैंने ये रेसिपी जो है वो बनाई है कि
रमजान में आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं अपनी फैमिली को, और ढेरों दुआएं लें, उनसे बरकतें लें। एक से दो मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं अच्छा सा। इसमें अब हम डालेंगे सोया, ये जो है वाइट विनेगर, ये देखें व्हाइट विनेगर है, इसको मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा इसको जो है वो इसकी खट्टा करने के लिए इसको मसाले को, तो इसके बाद हम इसमें सोया सॉस भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर जो है वो सोया सॉस भी इसमें डाल दूंगी। इससे इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा जो है वो डिलीशियस हो जाएगा और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। ये मसाला जितना अच्छा बना होगा बैटर आपका, उतने ही अच्छे समोसे जो हैं वो खाने में भी मज़ेदार लगेंगे। ये देखें अब तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए, और ये जो है ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी जो है वो पट्टियाँ बनाएंगे, समोसे तैयार करेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, अभी ये हम जो है वो समोसा एक तैयार करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम पट्टी को यूँ इस तरह करेंगे, ये समोसे की पट्टियाँ हमने तैयार शुदा ले ली हैं। ये देखें एक साइड इसकी यूँ की, फिर उसको दोबारा से यूँ इसी तरह जो है वो ट्राइंगल शेप में लेके आएंगे, फिर उसको जो है वो यूँ कर देंगे, फिर इसका ये एक जो है वो एनवलप सा बना लेंगे हम यूँ। फिर इसमें हम जो है वो मसाला डालेंगे, ये देखें ये मसाला इसमें भर देंगे अच्छी तरह से, ये मसाला स्टफिंग जो सारी है इसके अंदर यूँ भर देंगे। ये देखें इसके बाद इसमें हम यूँ जो है इसको ये लगा कर, ये मैंने बैटर जो है वो तैयार कर लिया है, या आप आटे से बना लें या फिर मैदे का तैयार कर लें। ये देखें इस तरह हम जो है इसको लगाएंगे एक तरफ लगा कर, इस समोसे को यहाँ से जो है वो हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इस बाकी जो है वो इस तरफ ले आएंगे इसको यूँ। ये देखें ये सारे समोसे जो हैं हम इसी तरह से जो हैं वो तैयार करेंगे। हमारे समोसे जो हैं वो सारे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें सारी हमने फिलिंग जो है इसके अंदर कर दी है, अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल देखें हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, अभी ये जैसे ही गर्म होगा इसमें बबल्स आएंगे तो फिर इसको जो है हम फ्राई करेंगे, समोसे फ्राई करेंगे। वो काफ़ी गर्म हो गया, अब इसमें हम जो है वो समोसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएंगे इस तरह, ये सारे समोसे इस तरह रखेंगे। अपने हाथों को बचाते हुए हम इसमें सारे समोसे जो है वो रखेंगे। ये देखें फ्रेंड्स अभी एक साइड गोल्डन होगी तो फिर इसको निकालेंगे। ये अभी फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे फ्रेंड्स। उस दिन मैंने आपके साथ रोल की रेसिपी शेयर की थी तो चाइनीज़ रोल बहुत ही मज़े के बने थे, उसको भी आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत मज़े के बने थे। मेरे बच्चों ने तो फौरन ही उसी वक्त खा लिए थे, उन्हें बहुत पसंद आए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो भी मेरी आपको पसंद आएगी। ये देखें ये इसका एक साइड जो है वो चेक करते हैं, हल्के हल्के से ये गोल्डन हुए हैं। इसी तरह हम इनको चेंज इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, एक एक करके साइड चेंज करेंगे ताकि ये ज़्यादा ना जल जाए। रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, रमज़ान में तो समोसे जो हैं वो शौक से खाए जाते हैं, अफ्तार के में स्पेशल जो है वो समोसे जो हैं बाज़ार से भी ख़रीदते हैं लोग और घर पे भी बनाते हैं। तो जिनको मुश्किल लगता है घर पे बनाना, वो आज से जो है वो उनके लिए ये रेसिपी है कि वो ज़रूर इसको ट्राई करें। घर पे कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको मैंने तैयार किया आपके सामने। अब इसको गोल्डन करके निकालेंगे, ये सारे गोल्डन हो गए हैं, दोनों साइड से इसकी गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, साइड इसकी देखें काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं ये, वरना ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगे तो जले हुए से जो हैं वो खाने में भी मज़े के नहीं लगेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। यहाँ देखें मैंने इसमें जो है वो एक स्टेनर में इसको रखा है ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा निकल जाए, तो ये निकल जाएगा इसका ऑयल।
तो फिर हम इसको प्लेट में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म से मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने ही मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे हैं और टेस्ट भी इनका यकीनन अच्छा होगा। तो एक एक ये देखिए, इसके साथ मैंने वो रखी है केचप, और इसके साथ आप हरी चटनी भी खा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। तो आप दही और वो पुदीने की चटनी बनाकर इसके साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।